नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटी की। पिछले हफ्ते हमने मसालों में जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी तेज़ी देखने को मिली। आज भी मसालों के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। जीरा में सपोर्ट 13,000, रेजिस्टेंस 14,000। टर्मरिक सपोर्ट 7,350, रेजिस्टेंस 7,620। कोरिएंडर सपोर्ट 6,720, रेजिस्टेंस 6,920। मसालों में खरीदारी का ट्रेंड बना के चल सकते हैं। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपेक्टेड है यहाँ पर खरीदारी का ट्रेंड बना के चला जा सकता है। वहीं अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो वहाँ पर हमने रेंज बाउंड मूवमेंट देखा है। एक्सपेक्टेड है सोयाबीन, सरसों, रिफाइंड के अंदर रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा और लोअर लेवल पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। सोयाबीन में सपोर्ट 7,600, रेजिस्टेंस 7,820। रिफाइंड सोया सपोर्ट 1,355, रेजिस्टेंस 1,395। RM सीड सपोर्ट 7,170, रेजिस्टेंस 7,400। अगर हम कॉटन कपास की बात करें तो यहाँ पर भी हमने तेज़ी बनते हुए देखी है और कॉटन को हमने लाइफ टाइम हाई पे आते हुए देखा है। कॉटन के अंदर सपोर्ट 25,400, रेजिस्टेंस 26,600। कपास सपोर्ट 1,320, रेजिस्टेंस 1,440। कॉटन सीड ऑयल के एक सपोर्ट 2,800, रेजिस्टेंस 2,950। वहीं ग्वार सीड ग्वार गम की बात करें तो यहाँ पर भी हमने रिकवरी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ग्वार गम में सपोर्ट 6,480, रेजिस्टेंस 6,760। ग्वार सीड सपोर्ट 4,150, रेजिस्टेंस 4,310। तो ग्वार सीड ग्वार गम में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। चने की अगर बात करें तो चने के अंदर एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहा। चने के अंदर मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिख रहे हैं। एक्सपेक्टेड है चने के अंदर भावों में नरमी देखने को मिल सकती है और जिस तरीके से हमने भारत में अब बारिश आते हुए देखी है, मॉनसून आता हुआ दिख रहा है, उससे भावों को में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दालों के अंदर और चने के अंदर नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। चने में सपोर्ट 4,740, रेजिस्टेंस 4,930। आशा करते हैं आपको इस जानकारी से फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।